हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग ट्रिप पर, और मैं हूं आपका होस्ट मुकेश। दोस्तों आज हम लोग आए हैं बीकानेर। तो मेरी आज छोटी वाली बेटी का बर्थडे था, तो उसको बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए हम लोगों ने बीकानेर चुना। तो जयपुर से ये दूरी हम लोग कवर करके आए 350 किलोमीटर, और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30, और हमारा पहला टूरिस्ट पॉइंट है माता वैष्णो देवी का दरबार, जो बीकानेर मेन बीकानेर जो बस स्टैंड है उससे 7 किलोमीटर पहले ही हमें रास्ते में ये पॉइंट पड़ा। तो हम लोग आज बीकानेर विजिट कर रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग ट्रिप। तो दोस्तों इससे पहले यदि आप हमारे चैनल ट्रैवलिंग ट्रिप को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल ट्रैवलिंग ट्रिप को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, और आइए चले चलते हैं बीकानेर की सैर पर। ये हमारा बीकानेर टूर का पहला टूरिस्ट पॉइंट है जहाँ हम लोग इसमें आए हैं, और सामने देखिए बहुत ही गजब व्यू इस टेंपल का, माता वैष्णो देवी दरबार है। चलिए चलते हैं अंदर। दोस्तों मंदिर के एंट्रेंस में हम लोगों ने देखा कि खाटू श्याम जी का एक मंदिर और माता रानी का एक मंदिर, और अभी हम ऊपर जा रहे हैं जो जिस प्रकार वैष्णो देवी में है। सबसे पहले चरण पादुका, फिर राजकुमारी, फिर माता वैष्णो देवी दरबार, फिर आपसे बना हुआ पूरी पहाड़ी के ऊपर ही कार्यक्रम लोग चढ़ रहे हैं ऊपर। ये देखिए राजकुमारी, यहाँ चरण पादुका, तो वेट कर रहे हैं हम लोग माता वैष्णो देवी की पहाड़ी को, जो कि बीकानेर में स्थापित है। कैसा लग रहा बच्चों? बहुत अच्छा। और अभी धीरे धीरे हम लोग आ चुके हैं अर्धकुमारी माता मंदिर। तो देखिए जिस प्रकार से माता वैष्णो देवी के दरबार में गुफा है, उसी प्रकार यहाँ भी गुफा है। तो दोस्तों नीचे से हम लोग ऊपर आए, यहाँ से वहाँ से एंट्री लेके वहाँ हमारी घर बाहर गाड़ी खड़ी है। इधर बीकानेर है और इधर से हम लोग आए जयपुर से, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हमारा वैष्णो देवी दरबार, बहुत ही खूबसूरत ही बना हुआ। ये देखिए नीचे से हम लोग आए थे पूरे दर्शन करते हुए, शानदार व्यू यहाँ पे। और पहले चरण पादुका में दर्शन किए हम लोगों ने, फिर गर्भजून आया, उसका हम ऊपर वैष्णो देवी दरबार में आए, गुफा में उतरे, ऊपर शिव जी की मूर्ति है और इधर गौरी जी का मंदिर। तो ये राउंड करके हम लोग वापस नीचे की तरफ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी को डेकोरेट किया है यहाँ पे। अब चलते हैं भैरव जी मंदिर की तरफ। दोस्तों इस समय हम लोग मंदिर के जो पुजारी जी हैं, महंत जी, इनके पास खड़े हैं और मंदिर के बारे में बताएंगे। सर तो सूरज जी आपका नाम बताइए। हमारा नाम है ब्रजमोहन जी, हम सेवादार हैं, आप सेवा करते हैं, कोई पंडित नहीं, हम सेवा करने आते हैं। और हमारे जो है अध्यक्ष साहब श्री सुरेश जी खिवानी प्रधान जी जो हैं, वो 40 साल से अपने माता की चौकी जागरण कर रहे हैं, चौकी जागरण भी करते हैं, ठीक है ना। और उनको साक्षात कन्या रूप में सपने में दर्शन हुए कि मेरे नाम से मंदिर बनाओ, फिर उन्होंने ज़मीन ली और उन्होंने अपना सक्षम से अपने जैसे कि ज़मीन लेके धीरे धीरे करके ये मंदिर खड़ा कर दिया। 40 साल तो जागरण को हो गए और मंदिर को 24 साल हो गए, 25वां चल रहा है मंदिर वहाँ बनने लगा। हाँ जागरण तो पहले करते थे, अभी काम चल रहा है। हाँ फिर धीरे धीरे करते, देखो हमारा बीकानेर काशी है, सब ने दान दिया, ये हम नहीं कहते हमारी है मंदिर, सब ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। शुरुआत हमारे सुरेश जी ने किया, हमारे भगवती मंडल ट्रस्ट है और भगवती मंडल जागरण की वो है मंडी है। खूब भी अभी आते थे देखते, खूब भीड़ थी जम के एकदम। आज हम लोग जयपुर से करने माता के दर्शन। जय माता दी। शुभ नाम आपका? मुकेश। बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत प्यारे, आज्ञाकारी पुत्र हो, आज्ञाकारी पति हो, आज्ञाकारी पोते हो, सबके काम आते हो। तय करो ना आपको तो लोग भगत जी सबके काम आते हो, समाज के क्या, परिवार में क्या, आपको कोई अगर कोई दे नहीं दे रहे, दे नहीं दे कोई बात नहीं,
चलिए महाराज धन्यवाद आपका। तो हम लोग अभी आ चुके हैं मंदिर के सेकंड पार्ट में जिसपे लिखा हुआ पिंडी दर्शन। तो वहाँ से हम लोग आए थे ऊपर दर्शन करके, पर अभी इसी में घुसेंगे। गुफा में एक और गुफा आ गई हमारे रूट पे मंदिर के अंदर। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। दोस्तों, श्री भगवती मंडल सेवा संस्थान की ओर से बनाए गए इस मंदिर में 400 किलोमीटर दूर ज्वाला जी से लाई ज्योत अनवरत आज भी जल रही है। देखिए दोस्तों, पहली बार हमारे चैनल के परमात्मा वैष्णोदेवी दरबार बीकानेर से यहाँ से हम लोग आए और ये अभी हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं आगे पिंडी रूप में माता के। बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे गुफा के अंदर। ये देखो शेर के पंजे बने हुए, देखो दिखावा है कल्प वृक्ष के नीचे महादेव जी की तपस्या में लीन 5 पांडवों के दर्शन। ठीक है, तो पांडवों कालीन इतिहास में यहाँ दिखाया गया है झांकी के रूप में। तो दोस्तों, इस समय हम लोग माता वैष्णो देवी गुफा के अंदर आ चुके हैं और गुफा के अंदर जो मेन मुख्य मंदिर है उसके सामने हम लोग खड़े हैं। जैसा कि जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी में माता जी के तीन रूप है, वैसे तीन रूप यहाँ पे स्थापित है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तो तीनों पिंडी रूप में आप दर्शन कीजिए। और मैंने आपको पीछे दिखाया था गुफा से हम लोग एंट्री लेके आए, अब इधर से एग्जिट है। तो यहाँ भी बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है माता वैष्णो देवी का। ठीक है, तो अभी दर्शन करके और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग वहाँ से बाहर निकल के आए हैं तो इधर ही है एक और झांकी लगी हुई है। ठीक है ना, और ये एक खुला ग्राउंड है और ये पीछे का हिस्सा मंदिर का। अब हम चलेंगे राम दरबार के सर्किट ग्राउंड के पीछे। और दोस्तों, इधर एक छोटा सा मार्केट भी लगा हुआ है और मंदिर का थोड़ा काम चल रहा है अभी। तो मार्केट से गए, अब हम लोग निकलेंगे हमारी पार्किंग की तरफ। दोस्तों, इस समय हम लोग आ चुके हैं जूनागढ़ फोर्ट और पार्किंग में हम लोगों ने गाड़ी लगा दी है। पार्किंग चार्ज यहाँ 50 रुपीज़ और पार्किंग ग्राउंड बहुत बड़ा है, यहाँ पर बहुत बड़ा स्पेस है पार्किंग के लिए, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है पार्किंग स्पेस की। और ये पीछे देखिए जूनागढ़ फोर्ट का हिस्सा। अभी हम लोग एंट्री लेंगे, टिकट लेंगे और फिर जूनागढ़ फोर्ट के अंदर चल के जूनागढ़ फोर्ट विजिट करेंगे। ये हमारे टूर का आज सेकेंड पॉइंट है जूनागढ़ फोर्ट। तो दोस्तों, इस समय हम लोग महल के टिकट काउंटर पे आ चुके हैं और हम लोगों ने टिकट ले लिया है। 150 रुपीज़ ईच कैंडिडेट टिकट है यहाँ पे, जिसके अंदर गाइड की फीस इंक्लूड है। ठीक है, और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उसके लिए 70 रुपीज़ का टिकट है। तो हमने एक टिकट तो बच्चे का लिया और 5 टिकट हमारे एडल्ट लगे जो 12 ईयर से सब लोग ऊपर है। उसके अलावा इसमें 300 रुपये फीस कैमरे शूट करने के लिए 300 रुपये फीस भी हमने ली है। तो कुल मिला के 1020 रुपीज़ विथ गोप्रो शूट, हम 26 लोगों के टिकट और गाइड। तो गाइड सहित हम इस जूनागढ़ फोर्ट को विजिट करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ।
दोस्तों इस किले के चारों तरफ बीकानेर शहर बसा हुआ है। पहले इस किले को बीकानेर किले के नाम से जाना जाता था, लेकिन फिर 20वीं शताब्दी में इस किले का नाम बदलकर जूनागढ़ रख दिया गया। जूनागढ़ किले की नींव 1478 में राव बीका द्वारा रखी गई थी, लेकिन भव्य खूबसूरत संरचना का निर्माण 17 फरवरी 1589 को राजा राय सिंह द्वारा शुरू किया गया था। तो 15 मिनट वेट करे बाद में एक बहुत बड़े ग्रुप को आगे भेज दिया गया महल भेद करने के लिए। तो हमारा पीछे ग्रुप है, ये इतना बड़ा ग्रुप, 1.5 घंटे का इसका विजिटिंग टाइम है, और आगे से हमें गाइड पूरा महल भेद कराएगा। ये हमारा एंट्रेंस गेट है। तो अभी हम लोगों का टिकट चेक हो चुका है और हमारे साथ हमारे जो गाइड है, मैं इनसे बात करता हूँ। आपकी आपका नाम सर? मेरा नाम भंवर सिंह राठौड़। तो हमारे गाइड भंवर सिंह राठौड़ जी इस ग्रुप को पूरा महल भेद कराएंगे। भैया अभी चलेंगे, आज इधर आज आशीर्वाद लेकर बीकानेर की स्थापना की थी 1488 में, तो राव बीका जी पीछे से जोधपुर के राजकुमार थे। बीकानेर की जो पहली 5 पीढ़ियां थी वो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर ओल्ड सिटी में अपना छोटा किला बना कर रही थी। इस किले का कंट्रोल सरकार के पास। अब आती जो किला आप देख रहे हैं, इस किले को बनवाना चालू किया था राजा राय सिंह जी ने 1589 में। तो एक ही परिवार की 16 पीढ़ियों का योगदान और 350 साल का लंबा समय इस किले को बनने में लगा है। इस किले को पूरा कंप्लीट करवाया था महाराजा गंगा सिंह जी ने 1937 में। तो आज आप ये किला आप देख रहे हैं, एक प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से इस ट्रस्ट को चला रही है रॉयल फैमिली, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर लालगढ़ पैलेस में रहती है। देखिए रॉयल फैमिली ने पूरा किला चैरिटेबल ट्रस्ट को नहीं दे रखा, तो दैट्स व्हाई पूरा किला ओपन है। इनकी तरफ से 10 महल ओपन है। इनकी फॉरेनर्स की टिकट तो रखी गई है 600 रुपीज़, और इंडियन की कम है क्योंकि चैरिटेबल ट्रस्ट है। बाकी निश्चित रहिए महल का कोई फर्क नहीं है। गाइड का जो सिस्टम है, जितने भी आपने किले घूमे एकदम अलग है गाइड का सिस्टम। यहाँ क्या दो प्रकार के गाइड होते हैं, एक आरटीडीसी का गाइड जो कि आपको हायर करके लाना पड़ता है, एक होता है चैरिटेबल ट्रस्ट का गाइड जो कि आपको मिलता है ट्रस्ट की तरफ से। उसका सर टाइम का बाउंडेशन है 45 मिनट 50 मिनट का, ट्रस्ट के गाइड का टाइम का बाउंडेशन है। अगर 45-50 मिनट में अगर आप किला घूमना चाहते हैं तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। बाकी अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आपको गाइड नीचे से हायर करके लाना पड़ेगा। अब देखो 5-10 मिनट हम एक्स्ट्रा दे सकते हैं, बाकी इन्होंने हमारा टाइम बांध रखा है, उससे ज़्यादा तो हम नहीं दे सकते। म्यूजियम इसमें कवर हो जाता है, म्यूजियम आपका डिफरेंट पार्ट रहेगा, वो आपकी सेल्फ। दोस्तों आप सामने जो एयरप्लेन देख रहे हैं, इस एयरप्लेन का उपयोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था। इस एयरप्लेन को अंग्रेजी हुकूमत ने महाराजा गंगा सिंह जी को ट्रॉफी के रूप में 1920 में दिया था। दोस्तों यह दो एयरप्लेन थे जिनको जोड़कर एक बनाया गया है, और उसका उपयोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था, और भारत के अंदर यह एकमात्र एयरप्लेन है और दूसरा इंग्लैंड के अंदर है। इस एयरप्लेन को देखने के लिए लोग देश और दुनिया से दूर दूर से आते हैं। देखने को मिलेगा वहाँ, तो आप केबिन आप देखोगे, राजस्थान की पहली इलेक्ट्रिक लिफ्ट का केबिन रखा हुआ। तो थोड़ा आप टाइम यहाँ दीजिए, फोटोग्राफ ले लीजिए, देन आगे बढ़िए। और ये दोस्तों इस प्लेन की हिस्ट्री के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, जिसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा महाराजा गंगा सिंह जी यहाँ पर ट्रेन भी लेकर आया था, तो देखते हैं आप देख सकते हैं उनके द्वारा लाई गई ट्रेन, आप देख सकते हैं। ये महाराजा गंगा सिंह जी का पर्सनल ऑफिस है, आइए आपको उनकी यूनिफॉर्म ऑफिस का सामान आइए चीज़ें दिखाते हैं आपको। भैया महाराजा गंगा सिंह जी जो कि यहाँ नहर लेकर आए थे, वो ब्रिटिश सेना में बहुत बड़े अधिकारी थे। तो यहाँ भी आप उनकी आर्मी की यूनिफॉर्म आप देख सकते हैं, आप उनका ऑफिस का सामान आप देख सकते हैं। अगर आप सीलिंग की तरफ आप देखते हैं तो आपको मजबूत छत के बाद में आपको अलग से आपको लकड़ी की छत आपको देखने को मिलेगी, जो कि बर्मा से लाई गई थी। पूर्ण लेकिन है नहीं,
इंग्लैंड के महाराजा किंग जोसेफ से इंग्लैंड की महारानी केवल मेरी जिन्हें मैंने सीखा में माता सीखा थे आइए देखकर आगे बढ़ते हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल है जो महाराजा गंगा सिंह जी ने बनाया था 1937। अगर सर मैं इसकी छत की बात करूँ तो आपको मजबूत छत के बाद में आपको अलग से आपको लकड़ी की छत आपको देखने को मिल रही है। लेकिन जो रेड सैंडस्टोन आप देख रहे हैं वो बीकानेर का लोकल रेड सैंडस्टोन है। इसके फिर जिस बात में कार्विंग आप देख रहे हैं वो हाथ से की कार्विंग है। तीर के साथ अगर तुक्का देखना हो तो वो देखिए बड़े वाले तीर हैं, छोटे वाले तीरों को तुक्का बोलते हैं। जो सैंडलवुड थ्रोन आप देख रहे हैं वो चंदन की लकड़ी का बना हुआ है जो कि 800 साल पुराना है। यहाँ दो प्रकार के ड्रेसेस आपको देखने को मिलेंगे, एक 36 किलोग्राम का गोल्ड ड्रेस है, एक आप 10 किलो का ड्रेस आप देख रहे हैं जो कि शुभ कार्यों के लिए बना हुआ है। फोटो में जो महाराजा आप देख रहे हैं ना वो गंगा सिंह जी हैं, उनके नाम पर श्री गंगानगर है। ये इनकी बस्ती है, इनका नाम है श्याम कंवर भाई साहब। ये डूंगर सिंह जी हैं, इनके नाम पर श्री डूंगरगढ़ है। और ये लाल सिंह जी हैं, इनके नाम पर लालगढ़ पैलेस है। अरे बंदूकों की लंबाई आप देखो 12 फीट लंबी बंदूक है, इसे 3-4 आदमियों के कंधे के ऊपर रखकर चलाते हैं। दिख रही है बंदूक आप शीशों की तरफ देखिए, ये जो शीशा आप देख रहे हैं ना ये शीशा वर्ल्ड का नंबर वन गिलास आप देख रहे हैं जो कि बेल्जियम कंट्रीज हैं। मार्बल आप देख रहे हैं वो इटालियन कंट्रीज हैं। वुड आपको देख रहे हैं वो फ्रेंच कंट्रीज हैं। बाकी फेस तो आपने पहचान ही है ना, सारे इंडियन कंट्रीज हैं। एम आई राइट? इसका वजन है 50 किलो, इसको हाथी के ऊपर रखकर चलाते हैं। अरे सारे सारे बालू के पाउच आप देख रहे हैं, वाटर पाउचेस है। ये जो पंखा आप देख रहे हैं वो राजस्थान में सबसे पहला विकसित होने वाला पंखा है। 1914 में पंडाले शहर में इलेक्ट्रिसिटी आ गई। अगर आप छत की तरफ आप देखते हैं तो मजबूत छत के बाद में आपको अलग से आपको लकड़ी की छत आपको देखने को मिल रही है। देखिए बंदूक आप जो देख रहे हैं इसका वजन 30 किलो से इसको ऊंट के ऊपर रखकर चलाया जाता है। तो जनता उनको धन्यवाद भेज रही है लेटर के माध्यम से। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं ना कि पुराने समय में रानियां घूमने के लिए वक्तों बाहर निकलती थी, तो राजा जी ने रानियों की घूमने के लिए एक लंबी गैलरी बना रखी है ताकि रानियां वॉक कर सके और उनकी हेल्थ अच्छी रहे। दोस्तों इस किले के महल कला और वास्तुकला के अद्भुत नमूने हैं, जिसमें सबसे पहले है कर्ण महल। इसका निर्माण 1680 में कर्ण सिंह ने औरंगजेब पर अपनी जीत की याद में करवाया था। दूसरा फूल महल जो कि सबसे पुराना महल है, जिसे राजा राय सिंह ने बनवाया था। तीसरा अनूप महल का उपयोग राज्य के प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में किया जाता था। चौथा चंद्र महल जो कि किले का सबसे शानदार और सौंदर्यपूर्ण रूप से मनभावन महल है। पांचवा गंगा महल का निर्माण 20वीं शताब्दी में राय गंगा सिंह ने करवाया था। और छठा बादल महल जो कि अनूप महल का ही विस्तार है और इसमें कई शानदार पेंटिंग्स है। दोस्तों इस किले की भव्य संरचनाएं और प्रत्येक संरचना की उत्तम सुंदरता सदियों पहले यहां अपनाई गई शाही जीवन शैली की गवाही देती है। जूनागढ़ किला खूबसूरती से डिजाइन किए गए महलों और इमारतों से भरा हुआ है। किले का शाही मंदिर हर नारायण मंदिर है जो भगवान लक्ष्मी नारायण और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी को समर्पित है। जूनागढ़ किले की मुख्य विशेषताओं में से एक लाल और सुनहरे बलुआ पत्थर से की पत्थर की नक्काशी है। सभी संरचनाएं लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं।
जो गार्डन आप देख रहे हैं ना, इस वाले गार्डन का नाम रखा गया है शिव गार्डन, क्योंकि आप भगवान भोलेनाथ जी का शिवलिंग है दिख रहा आपको। इसके पास में एक बड़ा दरवाजा है, उसके पीछे राजा जी के घोड़े होते थे, और बड़े दरवाजे के आगे चार दीवारी में राजा जी का हाथी बांधते थे। और ये देखो ट्रस्ट का पार्ट है, आप टिकट परचेस कर घूम सकते हैं। ये आती है बीकानेर रॉयल फैमिली की प्राइवेट प्रॉपर्टी, सो दैट्स व्हाई इसके अंदर जाना मना है। राजा महाराजाओं के राज तिलक होते थे, बढ़िया सा कपड़े का पंखा आप देखेंगे, इसे नौकर डोरी की सहायता से चलाता था। आइए इन चीजों को देखते हैं। दोस्तों हम लोगों ने पूरा जूनागढ़ फोर्ट विजिट कर लिया है, कंप्लीट जूनागढ़ फोर्ट को विजिट करने में करीब करीब 2 घंटे का समय लगा, और गाइड ने बड़े अच्छे तरीके से जूनागढ़ फोर्ट विजिट कराया। कि पीछे आप जूनागढ़ फोर्ट देख रहे हैं, ये हमने अंदर से विजिट किया, और फिर पीछे से म्यूजियम, ये वाला तो म्यूजियम और फोर्ट दोनों चीज़ हम विजिट करके अब आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल पर लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। एंड अगेन